वेलकम यू टू योर आन स्टडी चैनल अब पढ़ेगा इंडिया आज हम अब लेकर आए हैं आपके लिए इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बी सी ई सी लेटरल एंट्री एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है इससे पहले प्रीवियस ईयर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एवं इंग्लिश के क्वेश्चन हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आप सभी की प्रिपेशन के लिए मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट किया है जिसमें आप लोगों को प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के साथ साथ स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करा दिए गए हैं अगर आप अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से जुड़ सकते हैं साथ ही अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती जाए और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा तो आइए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन से ये कुछ बेसिक्स इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के क्वेश्चन हैं हमने अभी बेसिक्स से स्टार्ट किया है धीरे धीरे इसके स्टैंडर्ड को हम बढ़ाते जाएंगे आप जैसा कि आप देखेंगे अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में तो कुछ क्वेश्चंस इजी पूछे गए हैं हम सब ईजी समझ उसे छोड़ देते हैं लेकिन इसे भी हम देखते जाएंगे ताकि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके और हम टिपिकल क्वेश्चन पे कोई ईजिली सॉल्व कर सके तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है द टर्म फोर्स मे बी डिफाइन एज एन एजेंट विच प्रोड्यूस और टेंट टू प्रोड्यूस डिस्ट्रॉय और टेंट टू डिस्ट्रॉय द मोशन तो ये सही है फोर्स का डिफिनेशन यही है तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए अब देखिए क्वेश्चन नंबर टू क्या कह रहा है द फोर्स वाइल एक्टिंग ऑन ए बॉडी मे चेंज इट्स पोजिशन हाँ चेंज करता है बैलेंस द फोर्स ऑलरेडी एक्टिंग ऑन इट ये भी कर सही है एंड गिव राइज टू द इंटरनल स्ट्रेस इन इट अगर हम मोशन नहीं प्रोवाइड करता है तो उसके बॉडी में इंटरनल स्ट्रेस राइज करता है ये भी सही है इट मीन्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दिस अब क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द इफेक्ट ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी वी मस्ट नो ऑप्शन नंबर ए ये क्या कह रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स सही है बी है लाइन ऑफ द एक्शन ऑफ फोर्स ये भी सही है एंड सी द नेचर ऑफ फोर्स वेदर द फोर्स इज पुश और पोल तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर द यूनिट ऑफ फोर्स इन एस आई सिस्टम ऑफ तो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये को हो जाएगा न्यूटन होता है फोर्स का यूनिट तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वन के जी ऑफ फोर्स इज इक्वल टू नाइन पॉइंट एट न्यूटन तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है द रिजल्टेंट ऑफ फोर्स इज अ सिंगल फोर्स विच प्रोड्यूस द सेम इफेक्ट एज प्रोड्यूस बाय द गिवन फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट ये भी सही है रिजल्टेंट वही होता है नंबर ऑफ फोर्स जो एक्ट करते हैं किसी बॉडी पे उसका सेम इफेक्ट या मैग्नीट्यूड निकालते हैं हम वो उसी को हम रिजल्टेंट ऑफ फोर्स कहते हैं तो ये भी क्या हो जाएगा ट्रू ये लाइन क्या है सही है ये देखिएगा सेम क्वेश्चंस आपके 2014 में प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं आप अगर पीछे के क्वेश्चन हमारे पीछे के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की वीडियो देखेंगे तो डायरेक्ट नहीं है बट रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस के डिफिनेशन के वेस्ट पे है एक क्वेश्चन पूछा गया है देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग आउट द रिजल्टेंट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस अब देखिए क्वेश्चन नंबर एट क्या कह रहा है द अलजब्रिक सम्व पार्ट ऑफ द नंबर ऑफ फोर्सेज इन ए गिवन डायरेक्शन इज इक्वल टू द रिजोल्व पार्ट ऑफ दर रिजल्टेंट इन द सेम डायरेक्शन दिस इज नोन एज क्या होगा प्रिंसिपल ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेज कह रहा है कि नंबर ऑफ फोर्सेस अगर एक्ट कर रहे हैं उसको रिजोल्व पार्ट के दोनों सबका सम कीजिएगा तो इक्वल टू क्या होगा देयर रिजल्टेंट इन द सेम डायरेक्शन ये हमारा क्या कहता है प्रिंसिपल ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस है तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वेक्टर मेथड फॉर द रिजल्टेंट फोर्सेस इज आल्सो कॉल्ड कॉल्ड पॉलिगल ना ऑफ फोर्सेस तो ये बिल्कुल सही है इसका सही आंसर हो जाएगा ये करेक्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन टेन देखते हैं रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस पी एंड क्यू एक्टिंग एट एंगल थीटा ये भी आप सबने पढ़ा होगा लेकिन देखिएगा इसमें मेन कन्फ्यूजन हो जाता है ये प्लस टू पी क्यू कॉस ठिटा हो या प्लस माइनस टू पी क्यू कॉस ठिटा है या फिर साइन थीटा है तो उससे कन्फ्यूजन होता है तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पी प्लस क्यू टू पी क्यू कॉस अब देखिए क्वेश्चन नंबर इलेवन देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर इलेवन इफ द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस पी एंड क्यू एक्टिंग एट एंगल थीटा मेक एन एंगल अल्फा विद द फोर्स पी देन तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी टेन अल्फा इक्वल टू क्यू साइन प्लस डिवाइडेड बाई पी प्लस क्यू कॉस्ट हिट्टा अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व क्या कह रहा है द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस पी एंड क्यू सच डेट पी इज ग्रेटर देन क्यू एक्टिंग अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन बट इन अपोजिट डायरेक्शन देखिए ये सेम क्वेश्चन 2014 में पूछा गया है और मैंने इसका सॉल्यूशन ऑलरेडी देख रख दे रखा है तो आप मेरे पहले के डाले हुए वीडियो में जाके इसे देख सकते हैं ऐसे मैं आपको सिंपली बता देती हूँ कि मेन फोकस क्या कह रहा है टू फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं पी एंड क्यू वेयर पी इज ग्रेटर देन क्यू एक्टिंग अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन बट इन अपोजिट डायरेक्शन यहां ये सेम स्ट्रेट लाइन अपोजिट डायरेक्शन का मतलब ये बताना चाह रहा है कि थीटा इज वन एटी डिग्री तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा वन एट्टी डिग्री हो जाएगा तो कॉस वन वन एट्टी डिग्री क्या होता है माइनस वन होता है तो वैसे निकालिएगा तो ये आपका आ जाएगा तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पी प्लस क्यू अब इसका सॉल्यूशन मैंने दे रखा है आप वहां से जाके देख लीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर थर्टीन द रिजल्टेंट ऑफ टू इक्वल फोर्सेस पी मेकिंग एन एंगल थिट्टा इज गिवन बाय यहां देखिए टू इक्वल फोर्स बोल रहा है सपोज मान लीजिए टू इक्वल फोर्स पी है यहां दिया हुआ है मेकिंग एंगल ठिटा तो रिजल्टेंट इक्वल टू क्या होता है आर इक्वल टू क्या हुआ पी स्क्वायर पी क्यू भी आपका पी है तो पी स्क्वायर हो जाएगा प्लस टू पी स्क्वायर कॉस थीटा का अंडर रूट तो ये क्या हो जाएगा पी स्क्वायर हो जाएगा टू पी स्क्वायर प्लस टू पी स्क्वायर कॉस थीटा का अंडर रूट तो ये क्या हो जाएगा आप टू पी कॉमन ले लीजिए टू पीए स्क्वायर तो क्या हो जाएगा वन प्लस हो जाएगा? तो वन प्लस कॉस्ट हिट्टा इक्वल टू क्या होता है टू आ, टू कॉस स्क्वायर ठिट्टा बाई टू होता है तो यहाँ पे टू ये हो जाएगा इक्वल टू हो जाएगा फोर पी स्क्वायर कॉस स्क्वायर ठिटा बाई टू का अंडर रूट तो यहाँ हो जाएगा आपका फोर आ जाएगा बाहर तो, तो ये हो जाएगा टू पी कॉस ठिटा बाई टू तो यहाँ देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है टू पी कॉस ठिटा बाई टू ऑप्शन नंबर बी तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस इज इक्वल टू पी एक्टिंग एट एंगल एक्टिंग एट ए राइट एंगल तो राइट right एंगल करने से क्या हो जाएगा यहाँ पे आप पी दो सेम फोर्सेस से है और थीटा की वैल्यू आपको क्या दे रहा है नाइन्टी डिग्री दे रहा है तो कॉस नाइन्टी क्या होता है जीरो होता है तो पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर हो जाएगा इट मींस टू पी स्क्वायर अंडर रूट हो जाएगा तो इसका सही आंसर हो जाएगा अंडर रूट टू पी तो इसका सही आंसर हो गया डी आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन क्योंकि फार्मूला तो मैंने ऊपर ही बता रखा है अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर फिफ्टी द एंगल बिटवीन टू फोर्सेज वेन द रिजल्टेंट इज मैक्सिम एंड मिनिमम रिस्पेक्टिवली अब देखिए फॉर्मूला क्या होता है रिजल्टेंट का आर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टू पी क्यू कॉस्ट छिट्टा कांडरू अब कॉस्ट हिट्टा अगर जब मैक्सिमम होगा तो रिजल्टेंट मैक्सिमम हो जाएगा कॉस्ट हिट्टा अगर मिनिमम होगा तो रिजल्टेंट मिनिमम हो जाएगा तो देखिए कॉस्ट हिट्टा का रेंज होता क्या है माइनस वन टू वन होता है तो जब ये वैल्यू कॉस्ट हिट्टा माइनस वन कब होता है तो कॉस्ट हिट्टा माइनस वन वन एटी डिग्री पे होगा और कॉस्ट हिट्टा वन कब होगा जीरो डिग्री पे तो मै वन जब होगा तो मैक्सिमम आपका कब होगा जब ठिटा जीरो होगा तब और मिनिमम कब होगा जब ठिट्टा वन एटी डिग्री होगा तो तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जीरो डिग्री एंड वन एटी डिग्री क्लियर है अब देखिए क्वेश्चन नंबर सिक्सटी क्या कह रहा है इफ़ द रिजल्टेंट ऑफ टू इक्वल फोर्सेज हैज सेम मैग्नीट्यूड एज आइदर ऑफ द फोर्सेज देन द एंगल बिटवीन द टू फोर्सेस ये सेम क्वेश्चन 2014 में पूछा गया है आपको जिसमें हमने इसका सॉल्यूशन दे रखा है आप वहां से जाके देख सकते हैं इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी वन एट वन ट्वेंटी डिग्री अब देखिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो क्वेश्चन मैं छोड़ रही हूँ ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा है इसीलिए मैं नहीं दोबारा से बता रही हूँ आप जाके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखिए वो भी इम्पॉर्टेंट है उससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और जो मैं अभी इस, आपको ये क्वेश्चंस बता रही हूँ वो आपके लिए यूजफुल है या नहीं ये भी आपको पता चल जाएगा ऐसे मैंने बेसिक्स स्टार्ट किया धीरे धीरे इसका स्टैंडर्ड बढ़ाते जाऊँगी इसमें देखिए जितने क्वेश्चन मैंने फिफ्टी क्वेश्चन दे रखे हैं उसमें से आपको चार पाँच क्वेश्चन जो ऐसे हैं वो आपको टू में ऑलरेडी पूछे गए हैं तो इससे आपको खुद ही अंदाजा लग जाएगा ये क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट हैं तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर द रिजल्टेंट ऑफ टू एंड इज़ इज़ इफ़ डबल देन न्यू रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर टू पी देन तो देखिए हमने अभी यहां फॉर्मूला देखा था कि परपेंडिकुलर है तो ये एंगल निकालने के लिए तो क्या होता है टेन अल्फ़ा इक्वल टू हम जानते हैं अभी बताया है हमने क्वेश्चन है क्यू साइन थिट्टा डिवाइडेड बाई पी प्लस क्यू कॉस थिट्टा ठीक है और एंगल क्या बोल रहा है रिजल्टेंट कितना एंगल बना रहा है नाइन्टी डिग्री परपेंडिकुलर है तो क्या हो जाएगा टेन नाइन्टी डिग्री हो गया टेन नाइन्टी क्या होता है इन्फिनेटिव होता है तो ये हो जाएगा q साइन ठि q साइन ठिट्टा बाई पी प्लस q कॉस हिट्टा अब ये इन्फिनेटिव कब होगा जब आपका ये p प्लस क्यू कॉस हिट्टा क्या होगा जीरो हो जाएगा तब ये टर्म क्या हो जाएगा इन्फिनेटिव हो जाएगा अभी देखिए स्पेस नहीं है मैं फिर से ये लिख दे रही हूँ तो ये हो जाएगा आपका p प्लस क्यू कॉस्ट हिट्टा इक्वल टू जीरो हो गया अभी इसके रिजल्टेंट वाले में ये फॉर्मूला में डालिए तो क्या पुट आप पुट कीजिए आप वैल्यू पी प्लस क्यू कॉस्ट हिट्टा तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है आर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टू पी क्यू कॉस्ट हिट्टा का अंडर रूट हो गया अब यहाँ से देखिए पी प्लस टू पी क्यू कॉस्ट हिट्टा को कॉमन ले लीजिए यहाँ से पी तो क्या हो जाएगा पी प्लस आपका टू क्यू कॉस्ट हिट्टा हो जाएगा प्लस क्यू हो जाएगा आपका क्यू स्क्वायर हो गया तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका ये हम पी प्लस टू क्यू कॉस्ट हिट्टा जो ये हमने लिखा है ये क्या होता है आपका जीरो हमने ऊपर वैल्यू निकाल रखा है तो ये क्या हो गया आपका जीरो हो गया तो ये पूरा टाइम जीरो हो गया तो ये क्यू स्क्वायर हो गया तो पी इक्वल टू Under root है, तो क्यू स्क्वायर पी इक्वल टू क्यू हो गया तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पी इक्वल टू क्यू अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर द द टू फोर्सेस आर एक्टिंग एट एंगल वन ट्वेंटी डिग्री द बिगर फोर्स इज फोर्टीन न्यूटन एंड देन द रिजल्टेंट परपेंडिकुलर टू द स्मॉलर वन इज तो ये देखिए क्यू इज डबल कहा है तो यहां पे डायरेक्टली हम निकाल सकते हैं द तो स्मॉलर फोर्सेज इज ट्वेंटी न्यूटन तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अब देखिए क्वेश्चन नंबर नाइनटीन क्या कर रहा है द द एंड मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ़ कंपाउंड लीवर हैज गॉट द सेम मीनिंग सही बात है दोनों सेम ही मीनिंग है तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ट्वेंटी ए नंबर ऑफ फोर्सेज एक्टिंग एट ए पॉइंट विल बी इनिकम इफ ऑल द फोर्सेज आर इक्वली इनक्लाइंट ये जरूरी नहीं होता है द सम ऑफ ऑल फोर्सेज इज जीरो नहीं समीरो होता है देखिए नेक्स्ट ऑप्शन क्या कर रहा है सम ऑफ रिजॉल्व पार्ट इन दर्टिकल डायरेक्शन इज जीरो हाँ समेसन ऑफ वर्टिकल ऑफ ऑल फोर्सेज इज इक्वल टू जीरो एंडशन ऑफ ऑल फोर्सेज एक्ट एट जोरिडेंटल इज जीरो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एंड डी अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इफ द नंबर ऑफ फोर्सेज आर एक्टिंग एट ए पॉइंट दे रिजल्टेंट इज गिवन बाय तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका समेन ऑफ वर्टिकल फोर्स ऑल वर्टिकल फोर्सेस का स्क्वायर प्लस समेन ऑफ ऑल हॉरिजेंटल फोर्सेस का स्क्वायर का अंडर रूट तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू फिगर दिया हुआ है सो टू इक्वल फोर्सेस आर राइट एंगल एक्टिंग एट ए पॉइंट देन द वैल्यू ऑफ आर एक्टिंग अलोंग देयर बाई सेक्टर एंड अपोजिट डायरेक्शन इज आपका रिजल्टेंट पूछ रहा है तो आप रिजल्टेंट इक्वल टू तो क्या जानते हैं पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टू पी क्यू यहाँ पे थीटा ये क्या हो जाएगा नाइनटी डिग्री है कॉस नाइनटी आप जा, क्या जानते हैं जीरो है तो पी एस्वायर प्लस पी स्क्वायर का अंडर रूट हो जाएगा तो अंडर रूट टू पी ये हमने ऑलरेडी पहले भी निकाल रखा है ये आपका फिगर दिया हुआ है उसमें डायरेक्ट दिया हुआ था कि वो परपेंडिकुलर है तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री इफ द नंबर ऑफ फोर्सेज आर एक्टिंग एट ए पॉइंट देर रिजल्टेंट विल बी इंक्लाइंड एट एंगल थीटा विद द हॉरिजेंटल सच डेट तो इसका सही आंसर हो जाएगा टेन थिटा इक्वल टू समेन ऑफ ऑल वर्टिकल फोर्सेज डिवाइडेड बाई समेल हरजेंटल फोर्सेज ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर द ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस स्टेट दैट इफ टू फोर्सेस एक्टिंग साइमल्टेनियसली ऑन द ऑन ए पार्टिकल बी रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन बाय द टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल कह रहा है कि कोई भी ट्रायंगल दो फोर्सेस जो एक्ट कर रहे हैं साइमटेनसली वो क्या शो कर रहे डायरेक्शन ऑफ द टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल टेक इन ऑर्डर देन दे आर द रिजल्टेंट मे बी रिप्रेजेंटेड इन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द थर्ड साइड ऑफ कोई दो फोर्सेस इस तरह से एक्ट कर रहा है कि दो साइड्स ऑफ ट्राइंगल की तरह तो इसका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा थर्ड साइड्स ऑफ द ट्राइंगल टेकन इन अपोजिट डायरेक्शन उसके अपोजिट डायरेक्शन में इसका ये सही कह रहा है तो सही आंसर हो जाएगा ट्रू अब देखिए क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव द पॉलीगन लॉ स्टेट दैट इफ द नंबर ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द द पार्टिकल बी रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाई द साइड्स ऑफ पॉलीगन टेक इन ऑर्डर देन देयर आर रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंटेड इन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाई द क्लोजिंग साइड ऑफ द पॉलीगन टेक इन अपोजिट डायरेक्शन ये भी सही है आपका कि अगर नंबर ऑफ फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं वो एक्ट कर रहे हैं मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द साइड ऑफ पॉलीगन देन टेकिन इन ऑर्डर देन रिजल्टेंट इज क्या हो जाएगा क्लोजिंग साइड्स ऑफ पॉलीगन तो ये सही है तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आप देखिए ट्वेंटी सिक्स कंकुरेंट फोर्सेज आर दोज लाइन ऑफ एक्शन मीट एट ए पॉइंट अगर एक पॉइंट पे मीट कर रहा है फोर्सेज तो क्या कहेंगे कंकुरेंट कहेंगे अगर सेम प्लेन पे कर रहा है तो कोपलानर को कहते हैं देखिए इसी से क्वेश्चन पूछे गए हैं इसलिए हर बार ये क्वेश्चन इससे एक क्वेश्चन जरूर रहते हैं देखिए क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन क्या कह रहा है इफ़ द रिजल्टेंट ऑफ नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज जीरो देन द बॉडी विल बी इन एक्वेरियम सही बात है अगर रिजल्टेंट जीरो हो रहा है आपका नंबर ऑफ फोर्सेस एक्ट कर रहा रहे उसके तो इस बॉडी क्या होगा वो इक्वेलियम में है उसका तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यस द फोर्स विच मीट एट ए पॉइंट नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द फोर्स विच मीट एट ए वन पॉइंट एंड दे आर लाइन ऑफ एक्शन ऑल्सो लाई ऑन द सेम प्लेन अगर एक पॉइंट पे मीट कर रहा है इट मींस कंकुरेंट हो जाएगा और लाइन ऑफ एक्शन सेम प्लेन पे है तो क्या हो जाएगा कोपलेनर आपको आंसर देखिए कोपलैनर कंकुरेंट फोर्सेस हो जाएगा इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए द फोर्सेस वी डू नॉट मीट एट अ पॉइंट अगर एक पॉइंट पे नहीं मिल रहा है मतलब नन कंकुरेंट हो जाएगा बट देयर लाइन ऑफ एक्शन लाइन ऑन द सेम प्लेन सेम प्लेन पे है मतलब कोपलैनर सही बात है कोपलेनर नन कंकुरेंट फोर्सेस तो एग्री करते हैं हम इससे अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए थर्टी क्या रहा है फोर्स बिच विच मीट एट ए पॉइंट एक पॉइंट में मिल रहा है मतलब कंकुरेंट बट देर लाइन ऑफ एक्शन क्या कह रहे हैं नन कॉपेलर मतलब डज नॉट लाई ऑन द सेम प्लेन इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी द फोर्स बिच डू नॉट मीट एट ए पॉइंट मतलब नन कॉपेलैनर सॉरी नन कंकुरेंट एंड लाइन ऑफ एक्शन डू नॉट लाई ऑन द सेम प्लेन मतलब नन कंकुरेंट नन कॉपेलैनर द फोर्स मीट एट ए वन पॉइंट सॉरी मीट एट ए पॉइंट होगा तो ये हो जाएगा कंकुरेंट होगा और सेम प्लेन पे नहीं है तो नन कॉपेलनर मतलब ऑप्शन नंबर सी नन कॉपेलनर कंकुरेंट फोर्सेस हो जाएगा अब देखिए थर्टी टू क्या कह रहा है सेम ही एक ही टाइप के क्वेश्चन हैं इससे आप देखिएगा तो आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी क्लियर हो जाएंगे कॉपेलनर नन कंकुरेंट फोर्सेस कोपेलेनर मतलब सेम प्लेन पे हैं और नन कंकुरेंट फोर्सेस मतलब एक पॉइंट पे नहीं मीट कर रहा है तो क्या होगा फोर्सेस बीच डड नॉट मीट एट ए कोपलनर कह रहा है तो मीट करेगा तभी मतलब मीट एट ए पॉइंट तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा अब देखिए थर्टी थ्री बिल्कुल सारे सेम ही क्वेश्चन हो गए हैं कोपलेनर कंकुरेंट फोर्सेस आर दोज फोर्सेस कोपलनर कह रहा है मतलब सेम प्लेन पे और कंकुरेंट फोर्सेस मतलब सेम पॉइंट पे तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मीट एट ए पॉइंट एंड देयर लाइन ऑफ एक्शन ऑल्सो लाई ऑन द सेम प्लेन थर्टी फोर नन को पलर मतलब सेम प्लेन पर नहीं मिल रहा है कंकुरेंट फोर्सेस मतलब सेम प्लेन पे नहीं है ऑन कंकुरेंट है मतलब सेम पॉइंट पे होगा तो थर्टी फोर का क्या हो रहा है मीट एट ए पॉइंट बट देयर लाइन ऑफ एक्शन डज नॉट लाई ऑन द सेम प्लेन तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अब देखिए थर्टी फाइव क्या कह रहा है नन कोपेलैनर नन कंकुरेंट मतलब ना ही वो एक प्लेन पे होगा ना ही एक पॉइंट पे मिलेगा तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डू नॉट मीट एट ए पॉइंट एंड देर लाइन ऑफ एक्शन डू नॉट लाई ऑन द सेम प्लेन अब देखिए थर्टी सिक्स इफ थ्री कोपेलैनर फोर्सेज एक्ट एट ए पॉइंट आर ए न्यूक्म देन ईच फोर्सेज इज प्रपोर्सनल टू द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द अदर टू सही है यही लैबनिस थ्योरम कहता है तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए देखिए ये लैबनिस थ्योरम यही है अभी हम जो पढ़े क्या कह रहा था कि थ्री फोर्सेस एक्टिंग एट ए पॉइंट इन इन इक्वीरियम इक्रियम में है देन ईच फोर्सेज इज प्रपोशनल टू साइन ऑफ द एंगल बिटवीन अदर टू तो ये देखिए ये थ्री तीन कॉपलेनर फोर्सेस पी क्यू एंड आर है ठीक है और दिस थ्री फोर्सेस सारे न्यूक्लियम में है तो लेम थ्योरम क्या कह रहा है तीनों के अगर साइन के ये ऑप्शन नंबर बी पी बाई साइन अल्फा क्यू बाई साइन बीटा एंड आर बाई साइन अल्फा देखिए पी है तो ये क्यू एंड आर के बीच के अल्फा हुआ तो साइन अल्फा हो गया क्यू डिवाइडेड बाई पी एंड आर के बीच का पी एन आर के बीच का हो गया वो बीटा हो गया एन आर डिवाइडेड बाई हो जाएगा पी एन पी एन क्यूब के बीच का एंगल गामा तो ये हो गया इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अब देखिए थर्टी एट क्या अकॉर्डिंग टू लैमनेस थ्योरम सेम ही चीज़ है तो ये क्या हो जाएगा थ्री फोर्सेज एक्टिंग एट ए पॉइंट इन देन ईच इज प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ द एंगल द अदर अदर टू तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अब देखिए क्वेश्चन नंबर थर्टी नाइन इफ ए गिवन फोर्सेस और सॉरी द पोजिशन ऑफ बॉडी बट कीप्स इन इट इज इनी क्लियर इफेक्ट इज टू प्रोड्यूस इंटरनल स्ट्रेस इन द बॉडी तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी डज नॉट चेंज द पोजिशन पोजिशन चेंज कर देगा तो नहीं तब नहीं होता पोजिशन अगर चेंज नहीं होता है तो बॉडी का इंटरनल स्ट्रेस क्या होता है इनक्रीज करता है तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अब देखिए क्वेश्चन नंबर फोर्टी क्या कह रहा है इफ थ्री फोर्सेज एक्टिंग एट ए पॉइंट आर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाई देयर थ्री साइड्स ऑफ ट्राइंगल टेक इन ऑर्डर देन फोर्स आर इन इक्वरियम सही है अभी हमने ऊपर ही देखा तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इफ़ द नंबर ऑफ फोर्स एक्टिंग एट अ पॉइंट रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द थ्री साइड्स ऑफ ट्रायंगल टेकन इन ऑर्डर देन फोर्स आर इन नॉट इन इक्वियम यही सेम चीज को रिपीट कर रहा है तो ये तो इक्वरियम में ही होता है तो इससे हम डिसएग्री करते हैं अब देखिए क्वेश्चन नंबर फोर्टी टू द मोमेंट ऑफ फोर्सेस देखिए मोमेंट का डिफिनेशन ही पूछा गया है टू थाउजेंड फोर्टीन में सेम क्वेश्चन है यहाँ पे तो इसका सही आंसर क्या होगा देखिए ऑप्शन नंबर बी मोमेंट क्या होता है इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट एंड द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अब देखिए फोर्टी थ्री द मोमेंट ऑफ फोर्स पी पी फोर्स का पूछ रहा है अबाउट ओ के अबाउट पूछ रहा है इसके अबाउट मोमेंट पूछ रहा है तो फोर्स क्या है मोमेंट क्या होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फोर्स क्या है आपका पी हो जाएगा इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है ओ से इस फोर्स का ओ सी है इंटू ओ सी देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है आपका फोर्टी थ्री में ऑप्शन नंबर सी तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी क्लियर है अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्टी फोर इफ द नंबर ऑफ को पेलानर एक्टिंग एट अ पॉइंट

इन देअर प्लेन इज जीरो तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फोर्टी सेवन फॉर एनी सिस्टम ऑफ कोपलेनर फोर्सेज द कंडीशन ऑफ बीरियम इज डेट द क्या कर रहा है कोपलनर फोर्सेज बोल रहा है कंडीशन ऑफ इक्वरियम पूछ रहा है तो इसका सही आंसर हो जाएगा देखिए ऑप्शन नंबर डी होगा सारे सही है एलजेब्रिक सम ऑरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ ऑल फोर्सेज सुड बी जीरो वर्टिकल का भी क्या होगा जीरो होगा एंड एलजेब्रिक सम ऑफ द मोमेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस अबाउट एनी पॉइंट शुड बी जीरो तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द एव अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्टी एट द फोर्सेज हुज लाइन ऑफ एक्शन आर पैरलर टू ईच अदर एंड द एक्ट एंड द सेम डायरेक्शन आर नोन एज क्या कर रहा है पैरलर है और एक दूसरे के एंड सेम प्लेन पे है तो सेम प्लेन पे है मतलब कोपलनर हो जाएगा लेकिन वो एक दूसरे के पैरलर है तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लाइक फोर्सेस क्योंकि कोपलन कंकुरेंट फोर्स है कंकुरेंट होने के लिए क्या है एक पॉइंट पे मिलना चाहिए बट ये पैरलर है गलत हो गया <coughs> कोपलन नॉन कंकुरेंट हो ये भी नहीं आपका क्या है पैरलर फोर्सेस है तो क्या हो जाएगा लाइक पैरलर फोर्सेस तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी <coughs> सॉरी 49 the three forces of 100 newton 200 newton and 300 newton have their line of action parallel to each other but act in opposite direction these forces are known as तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनलाइक पैरेलल फोर्सेस क्योंकि ये पैरेलल बोल रहा है बट तीनों का मैग्नीट्यूड सेम नहीं है तो ये क्या हो जाएगा अनलाइक पैरेलल फोर्सेस का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी टू लाइक पैरलर फोर्सेज आर एक्टिंग एट ए पॉइंट सॉरी एक्टिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ ट्वेंटी फोर सेंटीमीटर ट्वेंटी फोर एम एम ए पार्ट एंड द रिजल्टेंट इज ट्वेंटी नीटर लाइक पैरलर फोर्सेज बोल रहा है एक्टिंग एंड ये दोनों एक दूसरे से ट्वेंटी फोर एम एम पार्ट की दूरी पर है इफ दम इफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द रिजल्टेंट इज सिक्स एम एम फ्रॉम द एनी टू फोर्सेज तो अगर मान लीजिए टू फोर्सेस है वन प्लस एफ टू है इक्वल टू क्या कह रहा है आपका ट्वेंटी है तो ये सिंपल से आप ऑप्शन से ही मैच कर सकते हैं कौन कौन है एफ वन एफ टू को ऐड कीजिएगा तो ट्वेंटी आएगा तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फिफ्टीन न्यूटन एंड फाइव न्यूटन इक्वल टू ट्वेंटी न्यूटन ये ये आपके फिफ्टी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे ये बेसिक्स क्वेश्चन है इस धीरे धीरे हम इसके स्टैंडर्ड को अपग्रेड करते जाएंगे जिसमें हम कुछ निमरिकल्स भी देखेंगे जो क्वेश्चन आते हैं वैसे तो उतने टफ निमरिकल नहीं पूछे गए हैं लेकिन फिर भी हम उन सारे जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो भी लगेगा कि आने वाले हैं वो क्वेश्चन हम सीओर डिस्कस करते जाएंगे ये आपका मैकेनिक्स के सीरीज स्टार्ट कर दिया है हमने और धीरे धीरे क्वेश्चन के लेवल को अपग्रेड करते हो जाएंगे अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो ये जरूर देखिएगा देखिए आपके uh, दो प्रीवियस ईयर के एक इंग्लिश के और एक इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के क्वेश्चंस हमारे चैनल पे उपलब्ध हैं आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब